अब तक आपने देखा, कैकला मोरपंख हेतु भास्कर के प्राण लेने को तत्पर हो जाता है, किंतु महाराज उसे दरबार बुलाकर उसके बाल मुंडवाने का दंड देते हैं। मौका देख कैकला भास्कर और गुंडप्पा को सूली पे चढ़ाने का दंड देता है। गुंडप्पा द्वारा मूषक के स्त्री होने की बात को दबाते हुए भास्कर शारदा को बचाने पुनः मोरपंख वापस लाने की बात करता है। अब आगे नकुश महोदय, मेरे इतने समीप अब क्या मेरे नींद में घुसकर मेरे सपनों की भी पहरेदारी करोगे क्या? नहीं, बस देख रहा था। क्या देख रहे थे? कि ये कंबल मेरे बिना अकेले सोता है या नहीं, ये देख रहे थे? नहीं, बस देख रहा था कि मोर पंख लाने के लिए तुम क्या कर रहे हो। मैं उसी विषय पर विचार कर रहा हूँ। ऐसे नींद में होश गवा कर? ओ नहीं, एकाग्रचित होकर। किंतु तुम मेरे सर पर खड़े होकर इसी तरह चिल्लाते रहोगे तो मैं कैसे सोच पाऊंगा? क्या करके बाहर जाओ और मुझे एकांत में सोचने दो। सोचो, मगर जल्दी जल्दी। इसने तो अति कर दी है। यदि ऐसे ही मेरी परछाई बना रहा तो मैं यहाँ से बाहर कैसे जा पाऊंगा? आप चाहिए, मैं बात करती हूँ। ठीक है, जाइए आप। वाह भास्कर, गिन गिन कर अंगड़ाइया तोड़ रहे हो। मोरपंख की चिंता है कि नहीं? क्या लगता है तुम्हें, मैं कौन हूँ? मैं कोई भूत हूँ या छोटा मोटा देवता हूँ? क्या मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं अदृश्य हो सकता हूँ? समझने का प्रयास करो कांता। जब तक ये नकुश यहाँ पर है, तब तक मैं शारदा से मिलने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि ये उसे देखते ही तुरंत उसे बंदी बना लेगा। और मान लो वो युक्ति लगाकर हम इससे बचकर बाहर निकल भी जाते हैं, तो बाहर सैनिक घूम रहे हैं, वो तुरंत आकर इसे सूचना देंगे और ये मेरे साथ फिर से वैसे ही लटक जाएगा जैसे महादेव के गले में सर। मुझे ज्ञात है, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि महामात्या के कारण अल्प समय में तुम अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए हो विजयनगर में। समस्या ये है कि सैनिक तुम्हें पहचानते हैं, अन्यथा कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न किया जा सकता था। सैनिक मुझे पहचानते हैं, किंतु यदि मैं अपनी पहचान ही बदल लूं, तो आसानी से जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। वेंकटेश्वरा, तुम अपनी पहचान कैसे बदलोगे? गुरुकुल में प्राप्त किए गए नाट्य कला के ज्ञान का उपयोग करके। वहां मैं हर तरह की भूमिकाएं यूं चुटकियां बजाते निभा लेता था। अच्छा, क्या क्या बनते थे तुम? ऐसे तो मैंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, किंतु वानर मेरा सबसे प्रिय था। किंतु वानर बनने के लिए नाटक करने की क्या आवश्यकता है? तुम असली जीवन में भी तो वानर हो, वही मूक वही चपलता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, प्रयास नहीं, किंतु इस समय वानर बनने से कार्य नहीं सधेगा, कुछ और बनना पड़ेगा। किंतु क्या? मुझे ज्ञात है मुझे क्या बनना है। क्या? जी, हम इसे हाथों में पकड़ते हैं, आप इस तरह चिपकाइए कि पुनः कभी विभाजित ना हो पाए। हम मणिचार्य हैं, बहुतों को चिपकाया है, ये क्या चीज है? रखो। हाँ, ऐसा चिपकेगा, ऐसा चिपकेगा, महाराज खुश हो जाएंगे। अच्छा अफसर, जब तक ये दोनों मूर्ख यहाँ बैठकर नकली बाल चिपका रहे, तब तक हम भीतर जाकर तिजोरी साफ करने का असली कार्य कर लेते हैं।
रुको, वहीं खड़े रहो। कहाँ जा रहे थे भूताचार्य जी? नहीं कहीं नहीं, हम तो बस आप ही के पास आ रहे थे। हमारे पास? हमारे पास कैसे आ रहे थे? ऐसे ऐसे आ रहे थे। अब वो क्या हुआ कि आप इसे ठीक करते करते इस और घूम गए, तो आपके पद चिन्हों पर चलते चलते हम इस और घूम गए, हम इस और घूमे, आप इस और घूमे, और वो घूम गए। बस यहाँ हमारा मस्तिष्क घूमा जा रहा है, और अब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमे जा रहे हैं घुमक्कड़ों की तरह। अच्छा ठीक है, नहीं घूमते हैं। हाथ जोड़ के यहाँ खड़े मत रहो, इसे जोड़ने में हमारी सहायता करो, सहायता। उचित है, पहले आप बिना सोचे समझे इसे जोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये तो ज्ञात कीजिए कि ये फटा कैसे है। मणिचार्य जी, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सोच लेना चाहिए। ठीक है धनीचार्य जी। जी मणिचार्य जी, आप मेरे बाईं ओर आइए, आइए सर जी। हुँ? इधर ऐसे। भूताचार्य जी ध्यान से देखो, तोता उस ओर था, हम दोनों इस ओर थे, और हम दोनों के बीच में था ये केश समूह। हाँ। और हम दोनों अपनी शक्ति के अनुसार इसे खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे। मणिचार्य जी बोलिए। धनीचार्य जी उदाहरण देके दिखाइए। दिखाते हैं, दिखाते हैं। खींचो, खींचिए। इस बालों के गुच्छे के चार टुकड़े तो हो गए, परंतु इन्हें व्यस्त रखने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब आप इसे गोंद से जोड़ेंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। महाराज जब इसके चार टुकड़े देखेंगे क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोध में भी आप दोनों के चार चार टुकड़े करवा देंगे। अब क्या करें? करना क्या है, इसका समाधान निकालें। समस्या क्या है? समस्या यही है ना कि महाराज के सर पर बाल नहीं है, इसलिए उनको ये बालों का गुच्छा लगाना है। वैसे में यदि महाराज के स्वयं के बाल उगाएं तो कैसे? शास्त्रों में ऐसी कई चिकित्सा विधि है जिससे पूर्ण रूप से गंजे के सर पर भी बालों की खेती लहरा सकती। सोचो यदि महाराज के स्वयं के बाल आ गए तो उनके अंग अंग से प्रसन्नता फूट पड़ेगी। राजगुरु धनीचार्य रहे? जी महाराज। राजगुरु मणिचार्य? जी महाराज। हम आप दोनों से बहुत प्रसन्न हुए, हम एक काम करेंगे, हम अपने सर के बाल गिनवाएंगे, और हमारे सर पर जितने भी बाल होंगे उतनी सोने की मोहरें हम आपको भेंट देंगे, और यदि मोहरें कम पड़ी तो हम पड़ोसी राज्य से ले लेंगे, किंतु आपको आपका पुरस्कार अवश्य मिलेगा। के सिक्कों में नहाकर जन्म जन्मांतर की निर्धनता सदा सदा के लिए दूर हो गई। भूताचार्य जी हमें बाल उगाने की विधि बताइए। Thank you.
पहचान तो बदल ली, किंतु बाहर द्वार पर नकुश और खिड़कियों के बाहर सैनिक हैं। बाहर जाऊं कैसे? तत्त्वाचार्य, ये विधि ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखो, हम क्या ढूंढ रहे हैं? महाराज के उड़े हुए बाल पुनः उगाने की विधि ढूंढ रहे हैं आप। जब महाराज के बाल उड़ गए हैं तो विधि भी तो उड़ गई होगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हम क्या करें? करना क्या है? केवल महाराज के बाल उड़े, बाकी मनुष्यों के बाल नहीं उड़े। बाकी मनुष्यों के बाल हैं, उसी प्रकार हमारे पास दूसरी पुस्तक भी है। विधि मिल गई। अब इस विधि को तैयार करने के लिए हमें सामग्रियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरी मिर्च, कोयला, धतूरे के बीज, अखरोट की छींटे, और अंत में मिश्रित होगा पारा। और इन सबको कूटने के लिए चाहिए होगी कूटनी। अब इस विधि से जो लेप तैयार होगा उसे महाराज सदैव याद रखेंगे और उनका सर भी स्मरण रहे। ये जो सामग्री है इसे जितनी शक्ति से, श्रद्धा से, ईमानदारी से, लगन से पीसोगे तो ये लेप उतना ही बलशाली और गुणकारी बनेगा। तो आरंभ कीजिए, आप कूटिए। महाराज के सर पर पुनः बाल आ जाएंगे ना, और हमारे घर में स्वर्ण मुद्राएं आ जाएंगी ना। आएंगे नहीं, जितने हैं वो भी चले जाएंगे। आएंगे, अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आरंभ हो जाओ। और हाँ, स्मरण रहे, सर्वप्रथम इन चारों पदार्थों को कूटना है और अंत में पारा मिलाना है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। चलो बैठो। धमाका हुआ है। इस धमाके की ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों ने मिलकर एक धमाकेदार लेप तैयार किया है। भूताचार्य जी, आप आश्वस्त तो हैं ना इस लेप के बारे में? शास्त्रों के ज्ञान पर संदेह, ठीक कर लो संदेह। हम ये लेप स्वयं महाराज के पास लेकर जाएंगे और वर्षों के पश्चात फिर से पुरस्कृत हो जाएंगे। लाओ, हमें तो, हमें तो। नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे? ये लेप हमने बनाया है। इस लेप को हम लेके जाएंगे महाराज के पास। हम लेके जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। महाराज के बाल आ जाएंगे। गए, अब हम भी चलते। भास्कर हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अरे, तुम थोड़ा दूर से नहीं चल सकती? और तुम थोड़ा देख के नहीं चल सकते? ठीक है ठीक है। hey! कहाँ घुसे चले आ रहे हो? रुको, मैं देखती हूँ। hmm.
नकुश महोदय, ये भास्कर को उसके जन्म के पहले से ही जानते हैं। कैसे? क्योंकि ये उसके माता पिता को पहले से जानते थे। हाँ तो उसके माता पिता को पहले से जानने का इसके यहाँ होने से क्या संबंध है? मैंने बुलाया है। मैं भास्कर का झूठ तो पकड़ सकती हूँ, किंतु उसके बोलने के बाद, परंतु ये उसके बोलने से पूर्व ही उसका झूठ पकड़ सकते हैं। उसे पहले से ही जानते हैं ना, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, पकड़वाओ पंडित का झूठ, पकड़वाओ। और ध्यान रखना मोर पंख वाली बात। ठीक है आप आइए। अरब से पहरेदार मंगवा लिए महामात्य ने। ओहो ताता, आप तो हमें ताता मत कहो ना, अभी हमारी आयु ही क्या है। जितनी बची है उतनी में पहचान लो, बता रहा हूँ। ऐसे तो भास्कर बात करता है। हाँ तो मैं भास्कर ही हूँ। भास्कर है, और ये समय असली पंडित रामकृष्ण का पुत्र बनकर अपनी माँ को ढूंढने का है, अरबी घोड़े पर सवार होने का नहीं है। वो तेरे ताता, अब शारदा तो यहाँ आएगी नहीं मेरे पास, तो मुझे ही उसे खोजने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। किंतु कैसे और किस दिशा से, क्योंकि बाहर प्रत्येक दिशा में नकुश और उसके सैनिक खड़े हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, अब हम समझ गए तुम अरबी क्यों बनी हो। वैसे भास्कर तुम भी पंडित रामकृष्णा से कम नहीं हो हैं। परंतु अभी भी एक समस्या है, नकुश और उसके सैनिकों ने किसी भी अरबी को भीतर आते नहीं देखा, तो वो किसी भी अरबी को बाहर नहीं जाने देंगे, देखते ही पकड़ लेंगे। हाँ, समस्या है तो समाधान भी है। पहले ये रखो धन की पोटली, ले ली। हाँ, ले ली। अब हमें दो दे दो। पुत्री ताता, एक देकर दो मांग रहे हो? अरे समझे नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है ये तुम्हारे पास ये अरबियों की और पोशाकें हैं तो दो हमें दे दो। अब क्या हुआ? फिर से सोच लो, तुम अभी मेरे साथ चलना चाहती हो? अब तो बहुत देर हो गई है भास्कर, ये सवाल तुम्हें बचपन में पूछना चाहिए था, जब अर्धरात्रि में मैं तुम्हारे साथ निकल पड़ी थी इनका नाड़ा चुराने के लिए, और पिताजी को बिना बताए घर से निकल भागी थी तुम्हारे साथ गुरुकुल जाने के लिए। सदैव हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तो अब तो बात तुम्हारे परिवार की है, तो अब कैसे पीछे हट जाओ? लगता है बचपन की घनिष्ठ मित्रता अब कुछ और स्वरूप लेने वाली है।